नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की पत्नी इंटीरियर डिजाइनर और प्रोड्यूसर गौरी खान आज पूरे 51 सालों की हो चुकी हैं। गौरी इन दिनों बेटे आर्यन खान का ड्रग केस में नाम फंसने के चलते सुर्खियों से घिरी हुई हैं। हालांकि उनके लिए विवादों से घिरना कोई नई बात नहीं। आज जन्मदिन के कुछ खास मौके पर आइए जानते हैं कब और कैसे सुर्खियों में रही गौरी खान। कुछ साल पहले गौरी खान उस वक्त सुर्खियों में आ गई थी जब खबरें उड़ी कि बर्लिन एयरपोर्ट में गौरी खान को ड्रग के साथ पकड़ा गया। इस मामले में पुलिस ऑफिशियल द्वारा कोई आधिकारिक स्टेटमेंट सामने नहीं आया था। हालांकि खबरें ये भी थी कि गौरी ड्रग एडिक्टेड हैं। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया था कि गौरी को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उनके पास महज एक व्यक्ति के इस्तेमाल करने जितना गांजा मिला था। लगातार खबरें सामने आने के बाद गौरी ने लाइफस्टाइल मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में इन सभी खबरों को अफवाह बताया और गौरी का कहना था कि उन्हें इस तरह की खबरों से अब फर्क नहीं पड़ता। साल 2013 में गौरी खान सरोगेसी के जरिए बेटे अब्राम की मां बनी थी। हालांकि अब्राम के जन्म से पहले कपल कानूनी पचड़े में फंस गए थे। शाहरुख और गौरी का आरोप था कि उन्होंने बेटे की जान में लिंग परीक्षण करवाया, जो अपराध है। मामला सामने आने पर महाराष्ट्र के रेडियोलॉजिस्ट एसोसिएशन ने पहले ही उनकी शिकायत स्वास्थ्य मंत्रालय और PCPNDT कमेटी से की थी। साथ ही एक NGO ने शाहरुख और गौरी खान के खिलाफ लिंग परीक्षण कराने की शिकायत दर्ज कराई थी। जी हां, आपको बता दें, डॉन फिल्म के बाद शाहरुख खान का नाम प्रियंका चोपड़ा से जुड़ने लगा। शाहरुख और प्रियंका ज्यादातर साथ समय बिताने लगे थे, जिसके चलते दोनों की खूब तस्वीरें सामने आ रही थी। दोनों के अफेयर की खबर एक्टर के घर तक पहुंच गई। इससे नाराज होकर गौरी ने शाहरुख का घर छोड़ दिया और अपने माता पिता के साथ रहने लगी। खबरें थी कि गौरी शाहरुख से तलाक लेना चाहती थी। हालांकि एक्टर ने प्रियंका से सारे रिश्ते खत्म कर अपनी शादी बचा ली थी। गौरी के कहने पर सुजैन खान ने प्रियंका को अग्निपथ फिल्म की सक्सेस पार्टी में नहीं बुलाया था, जबकि फिल्म में ऋतिक के साथ प्रियंका ही लीड रोल में थी। गौरी प्रियंका से इतनी नफरत करने लगी थी कि कुछ समय पहले यही दोनों प्रियंका और गौरी खान एक खास दोस्त थी, लेकिन शाहरुख के साथ नाम जुड़ने से गौरी ने साफ कह दिया था कि अगर शादी बचानी है तो प्रियंका के साथ कोई भी फिल्म नहीं करना। ऐसा ही एक महस और हुआ। साल 2012 में एक इंटरव्यू के दौरान शाहरुख खान ने खुलासा किया था कि वो गौरी के लिए पत्रकार पर तलवार से हमला कर चुके हैं। साल 1993 में कभी हाँ कभी ना की शूटिंग के दौरान एक पत्रकार ने शाहरुख और उनके को एक्टर के अफेयर की खबर छाप दी थी। ये खबर जब गौरी ने पढ़ी तो वो नाराज हो गई। गौरी को लगने लगा था कि उन्होंने शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। शाहरुख ने ससुर जी द्वारा दी गई तलवार, पंजाबी रीति रिवाज के अनुसार दूल्हे को तलवार जो दी जाती है, उससे पत्रकार के पैर पर हमला कर दिया। अगले दिन शाहरुख को जब फिल्म के सेट से गिरफ्तार किया गया तो उन्हें महज एक कॉल करने की इजाजत दी गई थी। तब भी शाहरुख ने उस पत्रकार को कॉल कर धमकियां दी थी। बाद में नाना पाटेकर ने शाहरुख खान की जमानत करवाई थी। सुर्खियों में रही हमेशा गौरी खान, आज 51 साल की हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।